बिहार में फैली हिंसा की चिंगारी अब सूबे के 6 जिलों में पहुंच गई है। रामनवमी के मौके पर समस्तीपुर के इलाके में दो संप्रदायों के बीच ऐसी झड़प हुई कि उसकी तपिश में पिछले 4 दिनों से समस्तीपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर और अररिया जल रहे हैं, जिसके चलते यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जहां विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला किया, तो वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्ष के कुछ गैर जिम्मेदार लोगों पर हालातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि देखिए कैसे नीतीश कुमार अफवाह मियां और झूठों के सरताज सुशील मोदी के कहने पर सरेआम सदन में कर्फ्यू पर गुमराह कर रहे हैं। एक और जहां समस्तीपुर में जुलूस निकालते वक्त दो गुट आपस में भिड़ गए, तो वहीं औरंगाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान हिंसा हुई, जिसमें कई दुकानों को आग लगा दी गई, पथराव हुआ तो वहीं 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।